अब अविनाश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी से हम बातचीत करेंगे और अविनाश जी से जो पहला क्वेश्चन है वो तो बेसिक क्वेश्चन ही है, वो तो यूएस पे होगा, आपको पता ही है। आजकल तो सब कुछ मार्केट, इंडियन मार्केट के तो अब लोग ये भूल ही गए हैं कि इंफोसिस का क्या होगा, टीसीएस में क्या है, कैसे। सबको ये पता है कि हम भाई नंबर क्या आ रहे हैं, 200, 225, 230, सब दिन रात आजकल यही चल रहा है। अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस समय की जो पोजीशन है 538 जो टोटल वहां पे सीट काउंट्स हैं उसमें से 467 के नंबर है, उसमें ट्रम्प अभी तक का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 214 बताया जा रहा है और जो बाइडेन है उनका 250 के ऊपर है। तो टफ, बीच बीच में उल्टी सीधी चीजें भी आ रही हैं कि जी बाइडेन चुनावों को खराब कर रहे हैं, खुद ट्रम्प सब ट्वीट कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं वैसे तो हम चुनाव जीत गए हैं, बाइडेन कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं, बस अब फॉर्मेलिटी रहेगी बाकी। सर ये कुछ दिन ऐसे ही और चलेगा क्या, जब तक थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती? असल में क्या है, गैप बहुत ज्यादा नहीं है, गैप बहुत ज्यादा हो ना तो आपको क्लियर होता है कि हाँ ठीक है, आप तो कुछ भी बोलते रहे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो खिजियाहट है जो आप बोल रहे हो जो हारने वाली है, लेकिन अभी करना क्या चाहिए सर? मैं अगर मार्केट का एक पार्टिसिपेंट हूँ और मेरे सिर पे यूएस इलेक्शंस का नंबर का बहुत बड़ा ट्रिगर है, तो मेरी सोच क्या होनी चाहिए? अवॉइड द मार्केट, बीइंग इन द मार्केट, क्या करें हम? गुड मॉर्निंग डिम्पी। डिम्पी मॉर्निंग मुझे सर। लग रहा है कि सारे लोग यूएस इलेक्शंस को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा तभी मार्केट ये अनुमान लगा रही है कि और एक बड़ा फिस्कल स्टिमुलस आने वाला है और वही मेरे ख्याल से यूएस मार्केट्स को बढ़ा रहा है। अभी कौन आता है, बिडेन साहब आते हैं या ट्रम्प साहब आते हैं, इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फेड की जो नीति रहेगी वो क्या रहेगी, कितनी लिक्विडिटी मार्केट में पुश करेगी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये जो उछाल आप देख रहे हो वो इस बात पे है कि अभी एक 6-7 दिन के बाद जो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा, उसके बाद पहला जो कमेंट्री नए प्रेसिडेंट से आएगा वो फिस्कल स्टिमुलस पे आएगा, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं कम से कम 2-2.5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का जो पैकेज है वो आने के लिए पॉसिबल है, और हो सकता है कि वो दिसंबर में ही आए या मे बी जनवरी में अनाउंस किया जाए। तो मार्केट्स इस बात के ऊपर काफी खुश है। रही बात इंडियन मार्केट्स के लिए, तो हम सभी जानते हैं कि जब डाउ बढ़ता है तब यहाँ पे भी मार्केट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कॉशन इन्वेस्टर्स को जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं आज स्क्रीन पे देख रहा था कि ऐसे खराब पेनी स्टॉक्स में भी काफी बड़ा उछाल आपको शेयर में देख रहा है, तो क्वालिटी जरूर देख लिए। और मुझे लग रहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मार्केट्स में मौके जरूर मिलेंगे, अभी भी इस समय काफी अच्छे क्वालिटी कंपनीज अवेलेबल है, और मुझे लग रहा है कि जहाँ पे बहुत तेजी से शेयर भागे हैं वहां पे थोड़ा सा वेट करिए। आईटी मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत बड़ा थीम साबित हो सकता है, क्योंकि आईटी का डायरेक्ट कोरिलेशन यूएस से है, तो आईटी में मुझे लग रहा है कि मौके अभी भी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम साल भर के लिए अच्छा मौका है। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स है मुझे लग रहा है डिम्पी यहाँ पे लोगों को कॉशन करना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, कर्जा ज्यादा नहीं, वो भी कंपनी आज करीबन 12-13% जैसे लेवल पे बड़ी है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में डेफिनेटली तेजी का माहौल आएगा, क्योंकि नंबर्स जो अभी Q2 के आ गए हैं ये बात दर्शाते हैं कि Q3 भी जो फेस्टिवल क्वार्टर है वहां पे भी उम्मीद है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। तो सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और मार्केट का सिर्फ इंडेक्स मत देखिए। ओवरऑल हमको लग रहा है कि डेफिनेटली आने वाला साल इक्विटी मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। ये जो लाइव नंबर अभी अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे थे, ये एक्चुअली ये लाइव डाटा ही है यूएस का। इसमें 264 अभी बाइडेन जी के हक में है एंड 214 ट्रम्प जी के हक में है, और एक कुल मिला के 536 है। तो आगे देखते हैं कैसे चलता है। लाइव वोटिंग की कुछ तस्वीरें हैं, कटसी है यूएस से, 2 डे से हमको तस्वीरें हमको मिल रही है, और इसके बेसिस पर हम आपको पूरा ये जो एक डोमेस्टिक आंकड़ा है और इसमें कुछ हाउस होल्ड के रिजल्ट है, किस एरिया में जहाँ पे आप रेड मार्क देख रहे हैं वो सारा ट्रम्प का एरिया है, और जहाँ पे आप ब्लू मार्क देख रहे हैं वो सारा बाइडेन साहब का एरिया है, कि कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में जीते गए हैं, टिपिकली न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन के आसपास। तो अभी ट्रम्प का ही दबदबा है, वोटिंग काउंटिंग अभी चल रही है और कुछ फेजेस में चुनाव कंप्लीट होने के बाद ये सारे नंबर सब आ जाएंगे, तो उसके बाद जनवरी में इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है टिपिकली। लेकिन ये बात सच है, अच्छा यही होता है एक्सपर्ट्स के साथ होने का बेनिफिट, सब लोगों को चुनाव 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 समझ में आ रहे हैं, लेकिन अविनाश जी ने वो क्रक्स वाली बात 1 ही मिनट में बता दी कि ठीक है चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों प्रेसिडेंट एक काम तो पक्का करने वाले हैं, वो है स्टिमुलस पैकेज देने वाले हैं, इसलिए बाजार के अंदर ये लिक्विडिटी का रोल चल रहा है। ये तो अब तक ये समझ रहे थे कि यहाँ पे ठीक है ट्रम्प आएंगे तो शायद मार्केट इसलिए चलता होगा, या बाइडेन आएंगे तो छोड़ा हो सकता है वो उस तरह से नेशनलिस्ट
नेशनलिस्टिक अप्रोच ना लेके आए कि हाँ सब पे मैं टैक्स लगा दूंगा, मैं चाइना से भी लड़ूंगा, मैं मैक्सिको से भी लड़ लूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही कि दोनों पहले भी तो स्टिमुलस दें, क्योंकि इस समय वो COVID-19 से भी निकले और उनकी अर्थव्यवस्था को चाइना वाली फाइट से भी काफी झटका लगा है। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, इसमें आईटी कंपनीज का रोल क्या रहने वाला अविनाश सर? ये TCS, इंफोसिस, मैस्टैक, विप्रो, ठीक है बिजनेस सबका रेशियो के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ये क्या करने वाली है? ये कंपनीज को कुछ होगा बेनिफिट, या फिर ये तो उनकी अपनी इकोनॉमी का हिस्सा है जिसको इनडायरेक्टली ये बनाएंगी बाद में, अभी इमीडिएटली नहीं होगा? मुझे लग रहा है कि डीपी आईटी कंपनीज के लिए इसलिए तेजी है क्योंकि हमको लग रहा है कि जिस तरह से यूएस इलेक्शंस के पहले तक ये ऑर्डर इनफ्लो की जो यू नो ट्रेंड थी वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो चुकी थी, अभी होपफुली एक बार इलेक्शन होता है तो वहां पे जो इंक्रीमेंटल बिजनेस है वो काफी तेजी से आएगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन आईटी कंपनीज ने जिस प्रकार से उनके सर्विसेज बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस करके इन मार्केट्स को सर्विस किए, तो TCS, विप्रो, इंफोसिस, मुझे लग रहा है कि ये सारी कंपनीज में अच्छी खासी तेजी आएगी। इनफैक्ट L&T इंफोटेक भी हमको लग रहा है बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट करेगा। और इन सारी कंपनीज की जो कमेंट्री हमने Q2 में सुनी है, इन्होंने एक बात क्लियरली कहा है कि एक बार यूएस इलेक्शंस खत्म होता है तो सेकंड हाफ जो होगा वो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि दिसंबर का क्वार्टर इनके लिए कोई बड़ा क्वार्टर नहीं होता क्योंकि वहां पे क्रिसमस होता है, बट जनवरी के बाद हमको लग रहा है कि जैसे जैसे नया यू नो प्रेसिडेंसी शुरू हो जाएगी वहां पे इंडिया और यूएस को लेके जो बिजनेस रिलेशंस बढ़ेंगे वहां पे आईटी एक ऐसा यू नो सेक्टर है जहां पे बहुत बेनिफिट होगा। क्लियरली मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो आईटी को पकड़ना चाहिए क्योंकि यहां पे काफी अच्छे विकल्प अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। दूसरा सेक्टर है जो यूएस में क्या है, फार्मास्यूटिकल्स, क्या वहां पे भी ग्रीन शूट देखिए कि हां यहां पे देखो सर, USFDA की बात तो हम नहीं सुनते, आप भी सुन रहे होंगे 6-8 महीने से USFDA का जो टफ रवैया था वो शायद कन्वर्ट हो चुका है, अब वो उतना टफ नहीं होता है। क्या बिजनेस और मार्जिन्स इंटैक्ट रहेंगे? डॉक्टर रेड्डीज का बहुत काम है वहां पे, ग्लेनमार्क का बहुत काम है वहां पे। नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो यूएस कंपनीज इंडियन कंपनीज है जो यूएस में काम काफी बड़ा करती है, इनके लिए डेफिनेटली मौके काफी अच्छे रहेंगे। और इसमें से दो विकल्प बिल्कुल जो हमको पसंद है, पहला तो सन फार्मा है और दूसरा ऑरोबिंदो फार्मा है। हमको लग रहा है कि ये दोनों ही कंपनीज ने बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाए, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर रेड्डी ने अच्छा नंबर दिखाया नहीं है और प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सन फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा ये दोनों ऐसे विकल्प है जहां पे आपको यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड देखने को मिलेगी और वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो ये डेफिनेटली अच्छी तरह से अभी भी खरीदा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि सन फार्मा करीबन 600-650 और ऑरोबिंदो फार्मा करीबन 1050-1100 का टारगेट बन सकता है अगर आप 8-12 महीने का बोले, और बिजनेस ट्रेजेक्ट्री और भी अच्छी तरह से बढ़ेगी, तो फार्मा सेक्टर डेफिनेटली बढ़ेगा। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि जो API वाली कंपनीज है जैसे कि अजंता फार्मा है, IOL केमिकल्स एंड फार्मा है, ये भी बेनिफिट करेंगी क्योंकि इनके लिए भी जो एक्सपोर्ट्स होते हैं API के, स्पेशली जो बेस यू नो फार्मास्यूटिकल का इनपुट का, वो US एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो क्लियरली सिलेक्टिवली रहना चल पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर है जो IT के बाद US इलेक्शंस के बाद शायद और तेजी पकड़ेगा और इसमें ये नंबरों में आपको रिफ्लेक्ट होगा FY22 के। ठीक है, इंटरेस्टिंग। फार्मा इन दोनों पे आप जरूर ध्यान रखिए, फार्मास्यूटिकल्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। US का मार्केट से दो सेक्टर को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है, फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल एंड सेकेंड इज IT। ऑटो है बट ऑटो का यूरोप में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू US, US में इतना हमारा एक्सपोजर है नहीं। खैर, अब हम जरा US से एक मिनट के लिए जरा बाहर आते हैं। और एक और चीज, अच्छा सर, मान लो चलो US इलेक्शंस भी होते हैं और उसमें ट्रंप आए चाहे बाइडेन आए, इकोनॉमी स्टिमुलस देंगे, इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, हो सकता है चाइना से नए तरीके से नेगोशिएशन पे भी आ जाए ये, तो इसका मतलब फिर तो क्रूड ऑयल भी तेज हो जाएगा। जब क्रूड ऑयल तेज हो जाएगा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचना और मार्केटिंग कंपनीज के लिए प्राइसिंग या हमारी इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा तो नहीं रहेगा। अभी भले ही अमेरिका और चाइना की लड़ाई थी लेकिन उसका बेनिफिट एज अ क्रूड हमको बहुत अच्छा मिला, तो इसका मतलब आप ये उम्मीद करके चलते हैं कि एक तो विंटर का सीजन प्लस इलेक्शंस ऊपर से स्टिमुलस की बात, तो एक क्रूड ऑयल के लिए तेजी बनाए रखेगा और ऑयल मार्केटिंग के लिए भी अभी अच्छे दिन नहीं आने वाले। मुझे लग रहा है कि डिप्पी देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी तो फिलहाल में ऐसा कोई बड़ा तेजी का मूव नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ अगर विंटर में थोड़ी सी सप्लाई शॉर्टेज होती है
हो सकता है कि क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़त हो, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑयल एंड गैस बिजनेस की सारी जो कंपनीज है जैसे कि ONGC है, रिलायंस है और ये ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है, हमको लग रहा है कि कम से कम 3 से 4 महीने के लिए कोई बड़ा उछाल आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, एक बात क्लियर है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्होंने उम्मीद से काफी अच्छे नंबर दिखाए, जैसे कि BPCL का नंबर भी काफी अच्छा है, HPCL का काफी आगे है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक वैल्यू प्रोपोजिशन प्रेजेंट कर सकता है। HPCL ने तो एक अच्छा बायबैक भी अनाउंस किया है 250 रुपए में, जबकि भाव करीबन 190-195 है। BPCL के भी नंबर उम्मीद से काफी अच्छे हैं, तो ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको लग रहा है कि क्रूड के कीमतों में जो रेंज है वो वैसे की वैसे ही कम से कम 3-4 महीना रहेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि क्रूड में कोई बड़ा उछाल आएगा। हाँ, ये बात सही है कि जैसे रिलायंस और ONGC है इनके लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि ऑयल के प्राइस यू नो नहीं बढ़ते तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली ONGC के लिए जिनका प्रॉफिटेबिलिटी प्योरली क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये एक ऐसा स्पेस है जो ट्रेडिंग स्पेस बन सकता है। BPCL हमने हमारे क्लाइंटों को भी कहा है कि यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट यू नो रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी होपफुली मार्च तक, तब आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। सरकारी था ये PNB ने कुछ पैसा रेज किया है, अभी कुछ बैंक्स चले भी हैं, तो इस पे अगर आपका व्यू चाहिए, स्पेशली अगर आप PNB या SBI इन दोनों पे व्यू रखें तो बता दे, तो SBI और सिर्फ PNB। नहीं, SBI में हमने कल नतीजे देखे, TP नतीजे तो इन लाइन थे, लेकिन जो उनका स्लिपेज का नंबर था वो काफी सिग्निफिकेंटली आया है, और ये डेफिनेटली थोड़ी अच्छी बात नहीं है। हालांकि सारे एनालिस्ट मार्केट में कह रहे हैं कि अभी भी 300 रुपए का भाव हो सकता है, हमारा भी मानना है कि यू नो होपफुली ये मोरेटरम का नंबर कम होगा SBI के लिए, तो आगे का जो रोड मैप होगा वो अच्छा रहेगा। शेयर 185-190 से 215-16 हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है मेरे ख्याल से खरीद सकते हैं, करीबन 240-250 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। लेकिन जो सबसे सस्ता PSU बैंक अभी हमको लग रहा है वो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा जिस लेवल पे है टिम्पी, मुझे लग रहा है बहुत फंडामेंटली एंड टेक्निकली इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है, क्योंकि सारा एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम था वो उन्होंने राइट ऑफ किया है, आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में होपफुली रिकवरी होगी, और रिस्क रिवॉर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि हम अभी भी कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ही रहे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड PSU बैंक से ज्यादा अच्छा है। बंधन बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सारे अच्छे विकल्प है अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन PSU में हमको लग रहा है कि SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों स्टॉक्स पे नजर। ठीक है सर, आपको जिसमें आपको कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा हो, इनफैक्ट डिम्पी हमको ऑटो कंपोनेंट्स में एक कंपनी पसंद है, और एक हॉलिडे का जो बिजनेस में वहां पे एक कंपनी पसंद है। तो पहली कंपनी जो मैं आपको बताऊंगा वो बेसिकली है सुंदरम फास्टनर्स। अभी हमको ये कंपनी इसलिए पसंद है क्योंकि ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार का रिवाइवल आया है, ऑटो में 2-व्हीलर्स है, पैसेंजर कार्स है, ट्रैक्टर्स है, वहां पे बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है। फाइनली कमर्शियल व्हीकल जो ट्रक वाला ने बना लिया कंपनियां है, अक्टूबर में करीबन टाटा मोटर ने 27% अपने ग्रोथ नंबर्स दिखाए, तो इसका सारा फायदा सुंदरम फास्टनर्स को आएगा। और मान लीजिए कि ये कंपनी सिर्फ फास्टनर्स नहीं बनाती, इंजन कंपोनेंट्स भी बनाती है। इनफैक्ट दूसरी तिमाही में इन्होंने 103 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो पहले तिमाही में 22 करोड़ का लॉस था, और पूरे साल के लिए उन्होंने 300 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। तो हमको लग रहा है कि ये शेयर अभी भी काफी दम रखता है, अगर किसी को 6 से 12 महीने की अवधि के लिए लेना है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, ये डेफिनेटली एक्युमुलेशन वाला कैंडिडेट रहेगा। और दूसरा शेयर डिम्पी जो मुझे पसंद है वो महिंद्रा ग्रुप कंपनी है, महिंद्रा हॉलीडेज। ये कंपनी का यूनिक बिजनेस मॉडल है, इनके पास करीबन 3,800 रूम्स है अपने रिसॉर्ट्स में, और ये एक यू नो ट्रैवल शेयर वाली बिजनेस चलाते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि कस्टमर ही पैसा देता है, वही पैसों से ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और हर साल ये AMC देते हैं और उसी से उनके खर्चे निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास 700 करोड़ की कैश है। कंपनी ने ये भी कहा है कि बेसिकली अगर उनके रिसीवेबल्स की बात करें, जहाँ पे कस्टमर से पैसा आने वाला है, वो करीबन 1500 करोड़ है, तो लिक्विडिटी कंपनी की अच्छी है। प्री कोविड लेवल्स पे उनका मानना है कि दिसंबर के क्वार्टर के बाद वो पहुंचेंगे, और सबसे बड़ी बात, ये धंधे में अभी और कोई नया प्लेयर आएगा ऐसा नहीं लग रहा है, तो करीबन 165-170 का रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बॉटम रेट है, और यहाँ से करीबन 330-340 का टारगेट एक साल में पॉसिबल लग रहा है, तो ये एक अच्छा विकल्प है। हालांकि कोरोना के कारण थोड़ा बहुत झटका इनको जरूर लगा है,
बट जैसे जैसे अनलॉकिंग होगी, नॉर्मल सी होगी, हमको लग रहा है कि जनवरी से होपफुली यहाँ पे आपको वापस रिकवरी देखने को मिलेगी और यहाँ पे 230-240 का टारगेट पर इस साल भर पे पॉसिबल है। तो ये दो विकल्प मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इनके फेवर में रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर है। सुंदरम फास्टनर है, ये तो बहुत ही बेहतरीन शेयर में से एक है, क्योंकि मैंने इसके भी चार्ट भी देखे जैसे से आप बता रहे थे। ये एक्चुअली में बिल्कुल अभी ही चलना शुरू हुआ है, जैसे मैं आपने इसको नोटिस भी किया और आपके देखा। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके बोलते बोलते में 400-500 रुपये चल ही चुका है, इसी समय ही चला, अभी चला, 460 रुपये हो चुका है शेयर, अभी 461 इनफैक्ट। तो ये एक मोमेंटम वाला शेयर है, इसने अभी अपना अपना वीवैम भी पार किया और एक डाउन चैनल को भी खत्म किया है। और जब आप 550 का लेवल बता रहे थे ना, डॉट 550 का लेवल आ सकता है और इसी जर्नी में आ सकता है और ये बहुत जल्दी जल्दी अब नीचे नहीं जाने वाला। तो ये शेयर का अब एक बांध के चलना है कि अपना बेस बना चुका है 400-410, अब इसके जल्दी जल्दी नीचे नहीं जाएगा। तो आपको जब भी डिप मिले आप प्लस करो, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ये पोजिशन ली जा सकती है, क्योंकि ये भी चैनल्स का और वी वैम्प का ब्रेकआउट है दोनों का ही, तो ये इंटरेस्टिंग प्ले है। और दूसरा आप जो MHRAL बता रहे हैं, यानी महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड, ये भी शेयर कुछ वैसा ही है, ये एक अटेम्प्ट लेगा अभी, इसने उस तरह से चैनल का ब्रेकआउट तो नहीं किया बट ये अटेम्प्ट लेगा, लेकिन इसके अटेम्प्ट भी कुछ कुछ सुंदरम फास्टनर जैसी ही होने वाली है। और ये एक बार अगर 176 के ऊपर आके ट्रेड करने लगेगा तो फिर आपको बताएगा कि महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट क्या शेयर होता है, फिर आपको 184 भी दिखाएगा, फिर आपको 190 भी दिखाएगा और बहुत जल्दी ही दिखाएगा ये, ठीक है। इंटरेस्टिंग, ये दोनों के दोनों शेयर्स इंटरेस्टिंग है। अविनाश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एक तो सुंदरम फास्टनर्स के लिए और महिंद्रा हॉलीडेज के लिए और यूएस इलेक्शंस पे अपना फिर से बिल्कुल अनबायस होके अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।